आपका असम्पशन है, रीजन का क्वेश्चन देखो क्या है, 11 क्यूब इनटू 11 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 11 टू द पावर ऑफ 12 इज योर असम्पशन। रीजन देखो क्या दिया है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी आर रियल नंबर एंड पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर, देन ए पी इनटू ए क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू। फिर देखो क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर मींस रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रीजन को। सी दैट, क्या दिया है इसने, ए इज ग्रेटर देन 0, बी आर रियल नंबर एंड पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स, देन ए पी इंटू ए क्यू इज इक्वल टू ए पी प्लस क्यू। तो देखो आपका क्या है, ए पी इंटू ए क्यू, तो यू कैन सी यहां पर देखो आपका बेस इज सेम, तो पावर हमारे क्या होंगे, एड अप है ना, मल्टीप्लाई है बीच में, दैट मीन्स एड अप। तो वी विल सिंपली राइट ए टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू। तो ये देखो यहां पर सेम दिया है इसने, दैट मीन्स इट्स ट्रू। अब असम्पशन को देखो, असम्पशन में इसने दिया है 11 क्यूब इंटू 11 टू द पावर ऑफ 4, तो यहां पर भी देखो बेस इज सेम, तो बेस आप लिखेंगे 11 और पावर मैंने क्या कहा, इट शुड गेट एड अप, दैट मीन्स 3 प्लस 4, तो क्या हो गया 11 टू द पावर ऑफ 7। यहां पर इसने दिया है 12, दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको